आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कलम के सिपाही मुंशी प्रेम चंद की। इन्होंने अपनी कलम की ताकत से पूरे सोसाइटी को, पूरे समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की, रिफॉर्म करने की कोशिश की। उस समय जितनी भी कुप्रथाएं होती थी, सोशल इविल जैसे कि जो कास्टिज्म होता था, लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट किया जाता था, प्रोस्टिट्यूशन होता था, विडो रीमैरिज, इन सब पे इन्होंने टारगेट किया, जबरदस्त वार किया। अपने लेखन से इन्होंने सोचा कि एक सोसाइटी को नई दिशा दी जाए, और उस समय किया जब भैया ये सब चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाती थी। भारत के आजादी के अभियान, फ्रीडम मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने अपनी राइटिंग से एक नई ज्वाला जलाने की कोशिश की कि भैया जोश से भर जाओ, भारत को आजाद कराना है। और ब्रिटिश सरकार ने भी इनको रोकने की काफी कोशिश की। तो मुंशी प्रेमचंद की बात करेंगे दोस्तों, लेकिन कभी भी उनको उस तरह का सम्मान नहीं मिलता है जिस तरह से हम रविन्द्रनाथ टैगोर को देखते हैं या इवन विलियम शेक्सपियर को देखते हैं। हाँ, जब हिंदी साहित्य की बात आती है तो मुंशी प्रेमचंद का स्थान बहुत ऊपर, उनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, लेकिन फिर भी सम्मान की अगर बात आती है तो ना ही भारत सरकार ने दिया और आज के जमाने में तो इनको बुला दिया गया है। लेकिन तब भी हम मुंशी प्रेमचंद को देखेंगे क्योंकि इनकी कहानी बहुत ही जबरदस्त होती थी। दोस्तों मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, क्योंकि मेरी मदर जो है, मेरी माँ जो है, वो एमए है म्यूजिक से और हिंदी लिटरेचर से, तो हिंदी से वो, हिंदी साहित्य से वो एमए है, तो उन्होंने मुझे इनकी पहली कहानी सुनाई थी। मैंने पढ़ी नहीं, उन्होंने सुनाई थी, मैं छोटा था, मंत्र। वो कहानी मुझे इतना ज्यादा परेशान उस कहानी ने मुझे किया था। शॉर्ट स्टोरीज थी, अगर आप चाहेंगे मैं मुंशी प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स का रिव्यू करूं तो मैं कर दूंगा। तो मंत्र से मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था, मैं ये सोच रहा था कि गरीब क्यों हार रहा है, ये जीत क्यों नहीं रहा है। बहुत ही ज्यादा मुझे अंदर से दुख पहुंचा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मुंशी प्रेमचंद की आज हम बात करेंगे, इनकी लाइफ को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिडेंडस्कोरी कनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, लेक्चर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। और बताना चाहता हूं दोस्तों कि हिंदी में भी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप स्टडी आईक्यू के ब्लॉग से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने हर एग्जाम को कवर किया। यूजीसी नेट कॉमर्स का कोर्स बहुत ही जल्द अवेलेबल हो जाएगा। इन नंबर्स पर कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए और अपनी ड्रीम जॉब निकालिए। अगर दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो भैया देवभूमि वाराणसी उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, मतलब उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव है लम्ही। 31 जुलाई 1880 में मुंशी प्रेमचंद का जन्म होता है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम नहीं था, इनका नाम था धनपत राय श्रीवास्तवा, कायस्थ फैमिली से बिलोंग करते थे, लैंड ओनर थे ये। भैया बता दूं कि अच्छे खासे समृद्ध परिवार में इनका जन्म हुआ था, 9 बीघा खेत और काफी अच्छा खासा इनका परिवार था, लैंड ओनर थे। इनके पिताजी का नाम था अजय राय, जो कि एक पोस्ट ऑफिस क्लर्क थे, और इनकी माताजी का नाम था आनंदी देवी। तो ये चीज थी, इनकी माताजी जो है वो बहुत ही कम उम्र में इनको छोड़ के चली गई थी, बताना चाहता हूं दोस्तों। तो इनके पिताजी ने दोबारा शादी कर ली। अब वो जो स्टेप मदर आई, जो सौतेली माँ आई, वो इनको बहुत परेशान करती थी, इनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बड़े विवाद होते थे, बात विवाद काफी होते थे। और बाद में आपको बताना चाहता हूं कि मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी, जितने भी उनके कैरेक्टर्स होते थे कहानी के ना, वो असली जिंदगी में जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, जो समाज में देखते थे, भाई वैसे तो लेखन ऐसा ही होता है, ठीक है, कि भैया जो भी समाज में देखो उसको किताब पे उतार दो, तो उस पे होते थे। तो बड़े घर की बेटी में जो आनंदी का रोल है, ठीक है, आनंदी का जो कैरेक्टर है वो इनकी कहीं ना कहीं मदर से इंस्पायर्ड था, तो ये चीज होती थी। काफी दिक्कत थी शुरू में दोस्तों, लेकिन मुंशी प्रेमचंद के बिल्कुल भी ख्याल अलग थे। अब दोस्तों वो इतनी अमीरों को जो इनकी समृद्धि थी वो इतना उसको सीरियसली नहीं लेते थे। चौथे बच्चे थे ये, ठीक है, अजय लाल जो कि इनके पिताजी थे, उनके चौथे चाइल्ड थे, क्योंकि बाकी के दो जो लड़कियां थी वो उनकी बचपन में ही मौत हो गई थी, शुरुआती में ही पैदा होते ही उनकी मौत हो गई थी। इनके जो अंकल थे, ठीक है, उन्होंने इनका नाम नवाब रखा था, ठीक है, महावीर थे जो कि बहुत ही अमीर लैंड ओनर थे, उन्होंने भैया रखा था कि देखो मुंशी जो धनपत है वो नवाब कहलाएगा, लेकिन इनका तो कुछ है और ही था, ठीक है। तो ये चीज थी। अब दोस्तों ऐसा है कि इनके पिताजी बहुत बिजी रहते थे, ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआती दिनों में इनकी माताजी का भी जन्म हुआ था, 8 साल की थी ये जब इनकी माताजी इनको छोड़ के चली गई थी, सौतेली माती थी, उनसे बनती नहीं थी, बहन की इनकी शादी हो गई थी, तो दिक्कत ये था कि ये बिल्कुल अकेले हो गए थे, एकदम ही वॉज कंप्लीटली आइसोलेटेड। सो वॉट ही थॉट कि अब मैं क्या करूंगा,
कि बुक्स पढ़ूंगा, और वहीं से ही इन्होंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी, और शुरू से ही इनको फिक्शन में इंटरेस्ट आ गया, नॉन फिक्शन भी पढ़ते थे, और फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, और उसके बाद एक के बाद एक ये रुके नहीं, फिर काफी एक के बाद एक ये नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश करते रहे, इन्होंने अपनी पत्रिका भी निकाली, हालांकि वो लॉस में चली गई थी। तो ये चीज है। अब दोस्तों ऐसा है कि उस समय बहुत ही जल्दी शादी हो जाती थी, ठीक है, तो 1895 जब ये सिर्फ और सिर्फ 15 साल के थे, इनकी शादी जो है तय कर दी गई। हालांकि इनको प्यार भी हुआ था, आपको बता दूं कि इनको बहुत ही कम उम्र में प्यार भी हो गया था, लेकिन जिससे प्यार हुआ था वो एक लोअर कास्ट की थी, और बाद में दोस्तों इन्होंने काफी नॉवेल्स में, काफी शॉर्ट स्टोरीज में, कुछ शॉर्ट स्टोरीज में, काफी तो नहीं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज में इसका जिक्र भी किया है फिक्शन के तौर पर, तो वो दिखाया भी कि किस तरह से एक लड़का और एक लड़की प्रेम में पड़ते हैं, लड़का अपर कास्ट, लड़की लोअर कास्ट, तो इस तरीके से है। तो अब दोस्तों ऐसा है, लेकिन वो प्यार को जो है वो अंजाम तक नहीं जा पाया, क्योंकि उस समय दोस्तों लव मैरिज तो छोड़िए, लव करना ही गुनाह होता था, सोसाइटी तो पकड़ पकड़ के मारना शुरू कर देती थी, तो ऐसा था कुछ उस समय का रिवाज, तो इसीलिए इनकी 15 साल में शादी कर दी गई। अब दोस्तों ये बताते हैं कि जिनसे इनकी शादी हुई थी वो एक तो इनसे बड़ी, ठीक है, दूसरी चीज ये थी कि वो दिखने में भी, हालांकि देखिए वैसे तो लुक्स पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनका स्वभाव भी नहीं अच्छा था, तो काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे भैया, आइडियोलॉजिकल भी, और काफी वाद विवाद होता। तो एक बार तो क्या हुआ था कि इनकी जो बीवी थी उन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, क्योंकि इनकी स्टेप मदर, इनकी सौतेली मां और इनकी बीवी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, बिल्कुल भी, बहुत झगड़ा होता था तो परेशान हो जाते थे, तो इनकी बीवी ने जब सुसाइड करने की एक बार कोशिश की तो उसके बाद मुंशी प्रेमचंदन को कस के डांटा, और उसके बाद फिर वो मायके चली गई और कभी वापस नहीं आई, और मुंशी प्रेमचंद उनको लेने भी नहीं गए, तो मुंशी प्रेमचंद ने दूसरी शादी कर ली एक विधवा से, जो कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। तो ये था, आई होप आप चीजें समझ गए होंगे। अब दोस्तों ऐसा है कि इनकी जो शुरुआती पढ़ाई है वो क्वींस कॉलेज से ही हुई, ठीक है, वहां पे ये डे स्कॉलर, डे स्कॉलर कौन होते हैं भैया, जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, जो डेली जाते हैं फिर घर वापस आ जाते हैं, उनको डे स्कॉलर कहते हैं, ठीक है, तो शुरू में वहां पे हुई, लेकिन पढ़ने में ठीक थे, बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल स्टूडेंट नहीं थे, बहुत ही एवरेज, इवन बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, क्योंकि आर्टिस्ट थे ये शुरू से ही। सेकेंड डिवीजन आई इनकी। अब दोस्तों उस समय फर्स्ट डिवीजन, अगर आपको किसी भी कॉलेज में, इनफैक्ट आज भी अगर आपको किसी भी अच्छे कॉलेज में पढ़ना है तो फर्स्ट डिवीजन तो एटलीस्ट होनी चाहिए। फर्स्ट डिवीजन मतलब क्या, 60% से ऊपर, तो इनके 60% से नीचे थे, इनकी सेकेंड डिवीजन थी, तो कॉलेज में दाखिले में दिक्कत हुई, फी कंसेशन चाहते थे ये, क्योंकि 1897 में इनके पिताजी की भी मौत हो गई थी, तो प्रॉब्लम हो गई थी, सारा जो दारोमदार था वो इन्हीं पे आ गया था, दिक्कत थी। अब क्या है कि इनको दोनों चीजें मैनेज करनी थी, एक तरफ तो इनको अपनी एजुकेशन मैनेज करनी थी और एक तरफ इनको घर का भी देखना था, करें क्या, बहुत अच्छे पढ़ने में नहीं थे तब, हालांकि इन्होंने एक वकील के बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की, मतलब ट्यूशंस दी इन्होंने, इनको ₹5 मिलता था मंथली सैलरी, जिसका 60% वो घर पे भेज देते थे, बता दूं मुश्किल था काफी चीजें। और दोस्तों क्योंकि इनको एडमिशन नहीं मिला हिंदू कॉलेज में, एडमिशन बिल्कुल भी नहीं मिला, मतलब हिंदू BHU में, तो वहां पे फिर उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ना ही, अभी फिलहाल टेम्परेरी के लिए इन्होंने सोचा कि अभी मुझे पढ़ाई त्याग देनी चाहिए क्योंकि अभी मुझे पैसे की जरूरत है, तो वहां पे वो जो वकील थे उनके बच्चों को पढ़ाते थे। अब दोस्तों वहां बहुत मुश्किल कंडीशन थी, ये तबेले में रहते थे, ठीक है, लेकिन इनका जो पढ़ने का, जो नॉवेल्स पढ़ने का और जो लिखने का शौक था वो कभी कम नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि बुरा समय कभी भी बहुत हमेशा नहीं रहता, कभी ना कभी तो खत्म हो गई ना, वो खत्म हुआ, बहुत ही जल्द अपनी मेहनत से इनको बहराइच में जॉब मिल गई, वहां का सरकारी स्कूल, अब तो सरकारी स्कूल में अगर आप जॉब चाहिए तो बहुत सारी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उस समय दोस्तों कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा होता नहीं था, पढ़ाई का कोई इतना ज्यादा स्कोप भी नहीं था, तो भैया जो भी पढ़ा लिखा होता था वो वरदान, ठीक है, सोसाइटी के लिए वरदान, तो पकड़ लो। तो प्रेमचंद तो भले ही वो एक उनकी कोई ग्रेजुएशन नहीं था या, लेकिन फिर भी उनकी स्किल्स बहुत ही जबरदस्त थी, तो उनको असिस्टेंट टीचर की जॉब मिली गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में, गवर्नमेंट स्कूल में, तो बहराइच में उनको फिर ₹20 की मंथली सैलरी मिलती थी, आपको बहुत कम लग रहा होगा लेकिन भैया उस समय की बात है, ये याद रखिएगा। तो वहां पे फिर उन्होंने मतलब पढ़ाना शुरू किया, वहां पे इन्होंने काफी लग्जरी लाइफ जी, वहां पे भैया जो एडमिनिस्ट्रेटर था उसके बंगले में रहते थे और उसके बच्चे को भी पढ़ाते थे, तो वहां पे
इन्होंने काफी अच्छी अच्छी लाइफ जी। तो ये चीज है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब यहां से दोस्तों पढ़ते 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 इनका इंटरेस्ट साहित्य में जाने लगा कि अब मैं भी जीऊंगा। दोस्तों बहराइच से प्रतापगढ़ और प्रताप से अलाहाबाद और अलाहाबाद से कानपुर इनकी पोस्टिंग होती थी। तो दोस्तों इन्होंने अपनी पहली किताब लिखनी शुरू कर दी, फर्स्ट शॉर्ट नॉवल सीक्रेट्स ऑफ गॉड। पैरेलली क्या हो रहा है दोस्तों, पैरेलली भारत में भी फ्रीडम मूवमेंट्स हो रहे हैं। आपको पता ही है दोस्तों 1905 स्वदेशी अभियान, स्वदेशी मूवमेंट, उसके बाद स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस। अब दोस्तों यहां पे जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने एक नॉवल लिखी थी सोजे वतन। वो सोजे वतन देखिए उस समय क्या था कि आप अपने राइटिंग से सोसाइटी को उसकी जो चेतना है उसको जगाएंगे, क्योंकि उस समय मीडिया था नहीं, आप कैसे कनेक्ट करेंगे। जो पेपर्स आते थे, जो पत्रिकाएं होती थी, उसमें अपने आर्टिकल्स लिखिए और जब वो लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे अगर वो देशभक्ति के हुए तो वो फिर उनका दिमाग घूमेगा कि हाँ यार ये सही बात है। तो यहां पे मुंशी प्रेमचंद ने अपने नॉवेल्स के थ्रू करने की ये कोशिश की। तो उनकी जो नॉवेल थी एक सोजे वतन, भैया वो इतनी खतरनाक हो गई थी कि ब्रिटिश ने उनकी 500 कॉपियां जला दी थी और उसको बैन कर दिया था। वैसे बता दूं कि मुंशी प्रेमचंद ज्यादातर ये चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गरम दल, उनके इनिशिएटिव जो है उनके मेथड्स हम अपनाए, ना कि लाला लाजपत गोपाल कृष्ण गोखले के, ठीक है। तो ये चीज थी। अब वहां पे दोस्तों जब इन्होंने पहली अपनी नॉवेल लिखी उसके बाद फिर इन्होंने ये रुके नहीं, फिर ठीक है एक के बाद एक ये पब्लिश करते गए। अब पढ़ा ऑलरेडी टीचर है, ठीक है ऑलरेडी टीचर है। तो यहां पे दोस्तों क्या हुआ था कि जब ये कानपुर में थे तो वहां पे जमाना मैगजीन आती थी, उस समय उर्दू मैगजीन थी। वैसे मुंशी प्रेमचंद उर्दू प्लस हिंदी में लिखते थे, पहले तो उर्दू में ही लिखते थे, बाद में इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। और भैया उसके बाद फिर इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हुए। तो वहां पे जमाना नाम की एक पत्रिका आती थी, उसके जो एडिटर थे मुंशी दया नारायण निगम, उनसे मिले ये। और उसके बाद फिर एक डिसाइड हुआ कि आपको हम इतनी मंथली सैलरी देंगे और उसके बाद आप हमारे लिए काम करना शुरू कर दीजिए। और उनके लिए फिर उन्होंने काम करना शुरू किया और उसके बाद काफी आर्टिकल्स और स्टोरीज पब्लिश हुई। और इसी समय दोस्तों 1906 में, जैसा कि मैंने बताया, इसी बीच क्या हो गया था, इनके पत्नी से बहुत झगड़ा हो गया था, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा था कि ये शहर में रहते थे, ऑकेजनली ये गांव जाते थे जब भी गर्मियों की छुट्टियां मिलती थी, क्योंकि स्कूल में तो ऐसा ही होता है, ऐसा तो है नहीं कि आप दिन भर वहीं, अगर गर्मियों की छुट्टी हुई तो आप सीधे गांव जाएंगे, मतलब जो आपका घर होगा, तो छुट्टियों में मतलब गांव जाएंगे। तो ये जब गर्मी की छुट्टियों में वहां पे जाते थे तो बड़ा खराब एटमॉस्फेयर होता था, काफी नेगेटिविटी होती थी, वो तो वो कंड्यूसिव नहीं था, जो इनकी राइटिंग्स के लिए वो एनवायरमेंट बहुत सही नहीं था, इनको सही नहीं लगता था, इसीलिए ये थोड़ा अवॉइड करते थे अपने घर जाना। गांव से बहुत लगाव था लेकिन घर में जो इतनी सारी नेगेटिविटी थी, क्योंकि इनकी सौतेली माँ और इनकी बीवी में बीच बीवी के बीच में कभी नहीं बनती थी। एक बार इन्होंने कस के डांटा, इनकी बीवी कभी वापस नहीं आई। और 1906 में इन्होंने फिर एक चाइल्ड विडो शिवरानी देवी से विवाह किया। और आपको बता दूं कि बहुत प्रेम करती थी शिवरानी देवी मुंशी प्रेमचंद। शिवरानी देवी ने भी मुंशी प्रेमचंद के लिए किताब लिखी है। जब मुंशी प्रेमचंद की मौत हो गई थी, मतलब उनका देहांत हो गया था, तब उन्होंने एक किताब लिखी थी। क्या बता सकते हैं उसका नाम क्या था, चले कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह चीज थी। अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। जैसा कि मैंने बताया कि उस समय जो थी भारत में फ्रीडम मूवमेंट्स ने जोर पकड़ लिया था, तो यहां पे आप कुछ ऐसा नहीं लिख सकते थे। अब यहां पे ऐसा है दोस्तों, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि यहां पे ब्रिटिशर ने इनका हाथ कटवाने की कोशिश की ताकि कभी लिख ना पाए, इनके पड़ोसी का ऐसा कहना है, मुंशी प्रेमचंद के जो पड़ोसी थे। अब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि इसमें कोई ऑथेंटिकेशन तो है नहीं। तो यहां पे गोपाल कृष्ण गोखले के कामों को ये ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि मानते थे कि इनका भी मानना था कि भैया ऐसे ब्रिटिशर नहीं जाएंगे, अगर अंग्रेजों को भगाना है तो बाल गंगाधर तिलक जो एक्सट्रीमिस्ट मेजर तो उनके हैं, उस हिसाब से चलो। अब दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के क्या मेथड्स थे, लाल बाल पाल यानी एक्सट्रीमिस्ट के क्या मेथड्स थे, ये सब मैं बहुत बार कवर कर चुका हूं तो अब रिपीट नहीं करूंगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। 1906 से इन्होंने फिर अपनी शॉर्ट स्टोरीज और अपनी नॉवेल्स को पब्लिश करना शुरू किया, ठीक है। 1909 तक ये कानपुर में ही थे। अब दोस्तों उसके बाद फिर गोरखपुर आते हैं, इनका प्रमोशन हो जाता है
असिस्टेंट मास्टर बन जाते हैं तो और ज्यादा पढ़ाई में ये मतलब पढ़ने में ये ध्यान देने लगते हैं और लिखने में भी ध्यान देने लगते हैं। और इसी बीच काफी नॉवल्स भी दोस्तों, शॉर्ट स्टोरीज, और काफी शुरू में तो जो इनकी नॉवल्स हैं वो तो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे इनका मतलब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है ये और ज्यादा परिपक्व होते जाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद है कि 1919 में ये ग्रेजुएट हो जाता है, फाइनली जो इनकी अधूरी शिक्षा थी वो ये कंप्लीट कर लेते हैं, इलाहाबाद से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये बीए की डिग्री ले लेते हैं। और जैसे ही भैया ये होता है तुरंत इनको डेप्यूटी इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। अब दोस्तों इसी समय इनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, 1920 गांधी जी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। अब गांधी जी ने तो सीधा बोल दिया था, वैसे गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का मैंने रिव्यू किया हुआ है, तो महात्मा गांधी ने तो सीधा बोल दिया था कि भैया ऐसा है कि सारे नौकरियां छोड़ दो, कोई भी अगर आप अंग्रेजी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हो सब त्याग दो। मुंशी प्रेमचंद बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए, उन्होंने तुरंत आनंद फानन में अपनी नौकरी को छोड़ दिया, लेकिन 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट और उसको पूरे अभियान को वापस ले लिया गया। और यहां पे दोस्तों गांधी जी का एक मतलब कह सकते हैं, वैसे तो इस पे भी आर्ग्यूमेंट्स हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मुझे भी ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी का जो जी का जो डिसीजन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेने का वो काफी हद तक सही था। लेकिन एक चीज इसमें सबसे बड़ी जो चीज हुई, क्योंकि यहाँ पे लोगों को उम्मीद बन गई थी कि अब ब्रिटिशर चले जाएंगे, और बहुत लोगों ने बहुत कुछ ताक पे रख के गांधी जी का गांधी जी को सहयोग दिया था, लेकिन एकाएक इस आंदोलन को वापस लेना ये बहुत बड़ा एक ब्लो था, ठीक है, इट वॉज अ ह्यूज ब्लो। और बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोग मुंशी प्रेमचंद जैसे किस्मत वाले तो थे नहीं, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद के हाथ में एक कला थी, एक आर्ट थी, लेकिन बहुत लोगों के हाथ में ऐसी आर्ट नहीं होगी या बहुत बड़ी पोस्ट पे वो नहीं होंगे। तो मुंशी प्रेमचंद ने गांधी जी के जो गांधी जी ने बोला कि सारी की सारी जॉब छोड़ दो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत, मुंशी प्रेमचंद ने अपनी जॉब को छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, और पूरा फोकस फिर उन्होंने अपने लिटरेरी करियर पे किया। गोदान, गबन, गबन तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट जो कहते हैं कि जबरदस्त नॉवेल थी, मुझे तो बहुत मजा आई थी दोस्तों। ईदगाह भी पढ़ने में दोस्तों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, ईदगाह एक बहुत ही बढ़िया नॉवेल थी। नॉवेल्स के बारे में दोस्तों अभी तो मैं इतना ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मैं इनकी शॉर्ट स्टोरीज का रिव्यू कर दूं। वैसे मुझे इनकी दोस्तों काफी नॉवेल्स पसंद आई थी, आपको अगर वक्त मिले तो आप इनकी प्रतिज्ञा जरूर पढ़िएगा। प्रतिज्ञा विडो रीमैरिज पे ही है, और काफी हद तक मुझे लगा मुंशी प्रेमचंद अपनी कहानी बयां कर रहे हैं, ठीक है। निर्मल हो गई, कृष्णा, काफी अच्छी अच्छी नॉवेल्स हैं, ठीक है। देवस्थान रहस्य तो कोई एंड नहीं है, इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी। सबसे बड़ी बात है कि शॉर्ट स्टोरीज बहुत ही जल्द खत्म हो जाएंगे, अक्सर नॉवेल्स थोड़ी लंबी होती है 150-200 पेज की, तो लोग अवॉइड करते हैं, आप शॉर्ट स्टोरीज पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे इनकी स्टोरीज पे बहुत सारी मूवीज भी बनी है, शतरंज के खिलाड़ी, सत्यजीत रे, क्या कमाल की। प्रॉब्लम ये रही है कि इनकी कहानियां, इनकी नॉवेल्स को जब पर्दे पे उतारा गया तो बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई वो मूवीज, लेकिन शतरंज के खिलाड़ी ने एक ट्रेंड एस्टैब्लिश कर दिया था, ठीक है। तो वो इन्हीं के पे ही है, मुंशी प्रेमचंद ने ही शतरंज के खिलाड़ी लिखी थी जिसपे मूवी बनी, सत्यजीत रे ने मूवी बनाई, तो ये चीज है। अब इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, लिटरेरी करियर पे फोकस, लिटरेरी करियर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पत्रिका निकालेंगे अपनी, अगर आप खुद का कुछ अपना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पत्रिका निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस, भैया अपनी पत्रिका छापेंगे ना, तो इन्होंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश की, सरस्वती प्रेस, बनारस में ही, 1923 में लॉस में चली गई, पूरी लॉस में चली गई, इनके काफी वेंचर्स जो थे वो लॉस में चले गए। इन्होंने जागरण जो एक और मैगजीन वो निकाली, वो भी लॉस में चली गई। इसी दौरान 1928 में इन्होंने गबन, गजब की एक नॉवल, ट्रेंड सेटर, ये इन्होंने निकाली और ये बहुत हिट हुई, लेकिन दोस्तों कर्जा इनके ऊपर बहुत ज्यादा हो गया था, ठीक है, तो वो इनको चुकाना था। चुकाने के लिए इन्होंने सोचा कि चलो अब हम बंबई चलते हैं, तो यहां पे इन्होंने बॉलीवुड में भी हाथ आजमाए, लेकिन भैया इनका जो पूरा कैरेक्टर था वो रेवोल्यूशनरी था। अब यहां पे दोस्तों जो इन्होंने पहली फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी मजदूर, बता दूं कि वहां पे इनको 8000 रुपए ईयरली सैलरी थी, और ये मुंशी प्रेमचंद ने सोचा जब वो गए दादर में रहते थे, बंबई गए काम करने मूवी इंडस्ट्री में, तो ये उन्होंने सोचा कि इस पैसे से मैं अपने सारे कर्जों को चुका दूंगा, बढ़िया रहेगी। लेकिन दोस्तों वहां पे भी कुछ नहीं बना, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया भैया रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर, पहले ही मूवी की जो स्क्रिप्ट थी मजदूर वो ऐसी थी कि जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे मूड खराब हो गया उन सबका। उसमें क्या थी
लेबर्स को ये बताया गया था, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स जो था वो दिखाया गया था, किस तरह से जो रिच क्लास है, ये जो फैक्ट्री के मालिक हैं, ये तो बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, लेकिन उसका 1% भी इनको नहीं दे रहे हैं। इसमें यह था कि अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, लेबर क्लास को यह सीधा अपील थी। ऐसा हुआ भी बहुत जगह में, तो देखिए क्योंकि जब यह फिल्म रिलीज हुई बैन कर दिया, तुरंत इस पे मांग उठ गई, इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला, फैक्ट्री ओनर्स ने बोला इस मूवी को तो बैन करो बिल्कुल भी, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने यह मांग की और ऐसा हुआ भी। लेकिन जहां जहां यह रिलीज हुई वहां वहां लेबर्स ने स्ट्राइक कर दी लोगों के खिलाफ, अपने मालिकों के खिलाफ, तो कुछ ऐसा इनका वर्चस्व था भैया, जो भी लिखते थे वो रेवोल्यूशनरी हो जाता था। तो ये चीज थी, आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन तब भी चीजें सही नहीं हुई, और भी ये मूवी में काम करना चाह रहे थे, लेकिन इनको बहुत ही जल्द पता चल गया था कि यहां पे मेरी दाल गलने नहीं वाली, और उसके बाद उन्होंने यही फैसला किया कि अब मैं मुंबई से वापस बनारस आ जाऊंगा। इनको रोकने की काफी कोशिश की गई, पैसे भी इनको ऑफर दिए गए, लेकिन फिर भी दोस्तों इन्होंने 1935 में ये सोचा कि ऐसा है कि अब मैं वापस ही आऊंगा, ठीक है। और हिमांशु रॉय जो उस समय एक क्या कहते हैं कि सिनेमा ऑर्गेनाइजेशन चलाते, तो उन्होंने इनको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन ये रुके नहीं, फिर ये वापस आ गए। उसके बाद दोस्तों इन्होंने जो अपने आखिरी दिन थे वो यहीं पे ही बनारस में ही गुजारे, और बहुत दिक्कतें थी, काफी कर्ज था, कर्ज को चुकाना था इनकी। जैसे जैसे दिन जा रहे थे इनकी सेहत भी डाउन होती जा रही थी, बीमार पड़ते जा रहे थे, ऐसा ही होता है दोस्तों, ठीक है। महान लोगों का आप देखेंगे तो बहुत ही कम उम्र में उनका देहांत हो गया, उनको छोड़ के चले गए हैं, गिरती उम्र दिक्कत, तो अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली यू हैव टू गो। तो यहां पे दोस्तों ठीक मरने से पहले इनको प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि बहुत ही बड़ी एक पोजीशन थी, लेकिन दोस्तों जब तक पैसा नहीं होगा आप कैसे करेंगे। उसके बाद इन्होंने जो अपनी आखिरी सांस ली 8 अक्टूबर 1936 में इनका देहांत हो गया, और एक एरा का अंत हो गया, एक ऐसे रेवोल्यूशनरी का अंत हो गया जिन्होंने लोगों की चेतनाओं को जगाया, सोचने पे मजबूर किया, तो ये चीज थी। अब दोस्तों गोदान, इन्होंने आखिरी वक्त जो नॉवल थी वो लिखी थी, गोदान का मतलब वो क्या होता है, गौ का दान, गाय का ध्यान। नॉवेल्स को दोस्तों मैंने यहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया अगर आप चाहेंगे तो मैं इनकी शॉर्ट स्टोरीज का रिव्यू कर दूंगा, तो ये चीज है। वो अब इनकी नॉवेल्स का भी, काफी मूवीज भी इनकी नॉवेल्स पे बनी है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया वो बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। तो दोस्तों ये पूरा लेक्चर था मुंशी प्रेमचंद, उनकी कहानी थी, आई होप आपको पसंद आया होगा। कलम के सिपाही थे, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए, मेरे फेसबुक पे मैसेज करिए, मुझे बताइए कि क्या मैं इनकी शॉर्ट स्टोरीज का रिव्यू करूं। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।